हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इनेबल वन हैंड मोड इन रेडमी 11 प्रो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस फ़ोन में वन हैंड मोड कैसे इनेबल कर पाएंगे, छोटी सी स्क्रीन में फ़ोन को कैसे यूज कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन बार में जाते हैं, एक बार और स्वाइप करते हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं भी कोई वन हैंड मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अगर एडिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, तो यहाँ भी आपको वन हैंड मोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और अब यहाँ से बैक चले जाते हैं। ओके, बैक जाने के बाद यहाँ पर अभी हमारे नेविगेशन बटन हटा रखे हैं हमने, हाइड कर रखे हैं, गेस्चर सेटिंग ऑन कर रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये गेस्चर सेटिंग हटानी है और यहाँ से नेविगेशन बटन आपको लगानी है। तो सेटिंग पर गए और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक किया हमने, यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले पर क्लिक किया और यहाँ पर बटन्स पर क्लिक कर दिया। ओके, अब ये हमारे बटन्स आ चुके हैं। अब यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर ये जो है बीच वाला बटन, यहाँ से इधर की तरफ स्वाइप कर देना है आपको। इस तरीके से आपको स्वाइप कर देना है एक बार और यहाँ पर आपका वन हैंड मोड इनेबल हो जाता है। तो अभी हमारा हो नहीं रहा है, तो ये देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वन हैंड मोड इनेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन में छोटी सी स्क्रीन में फ़ोन को यूज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।